1998 में एनडीए का गठन, अटल आडवाणी ने डाली थी नींव, कैसा रहा है एनडीए का सफर। वो एक वक्त था जब भारत की राजनीति में कांग्रेस का सिक्का चलता था, सरकार कांग्रेस की ही बना करती थी। कांग्रेस को हराने की ललक में बीजेपी उसे कड़ी टक्कर देने की फिराक में लगातार लगी रहती थी। हालांकि कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जाने लगा था कि वो निरंकुश हो गई है। कांग्रेस से नाराज रहने वालों की कमी भी नहीं थी, लेकिन जनता की इस नाराजगी को बीजेपी वोट में बदलने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। वहीं 90 के दशक में राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति को एक नया रूप दिया, वो था गठबंधन की राजनीति। इसी सोच के चलते 1998 में अटल आडवाणी ने 16 पार्टियों को साथ लेकर कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन किया, जिसका नाम एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिया। तब से लेकर आज तक यानी अपने 25 सालों के सफर में एनडीए ने राजनीति में काफी कुछ देखा, बदलती राजनीति को देखा और सत्ता पर आसीन होते उतरते कई प्रधानमंत्रियों का गवाह बना। जहां तक आज की बात है, अब एनडीए में कुल 38 पार्टियां हैं, जिसका नेतृत्व अब पीएम मोदी के हाथों में है। तो चलिए जानते हैं 16 से 38 पार्टी तक के सफर में एनडीए को कहां क्या मिला और क्या छूटा। एनडीए के गठन का क्या था मकसद? कहते हैं 1989 से लेकर 1999 के बीच का भारत राजनीति के लिए बेहद उथल पुथल भरा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन 10 से 11 सालों में 7 पीएम तक बदले गए, जिसकी वजह ये थी कि इस वक्त की राजनीति शायद अपने बदलाव के दौर से गुजर रही थी। इधर कांग्रेस के खिलाफ न केवल जनता बल्कि नेताओं में भी खासी नाराजगी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस कई राज्यों में कमजोर नजर आने लगी थी। इधर बीजेपी लगातार सत्ता में आने के प्रयास में थी। 1998 में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की गठन की योजना बनी। कांग्रेस से नाराज पार्टियों को एकजुट किया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 16 पार्टियों के साथ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया। एनडीए के गठन ने अपनी धाक भी दिखाई। 1998 के मध्यावधि चुनाव में एनडीए को 261 सीटें मिली, जिसमें 182 सीटें बीजेपी की थी। उस वक्त जयललिता और ममता बनर्जी भी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन ये सरकार ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाई, क्योंकि जयललिता ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आ गई और महज 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई। अटल आडवाणी ने नहीं मानी हार। सरकार गिरने के बाद भी अटल आडवाणी ने हार नहीं मानी। एनडीए की पहली सरकार गिरने के बाद जब 1999 में आम चुनाव हुए, तब एनडीए ने जोरदार वापसी की। इस बार एनडीए में 24 पार्टियां शामिल हो चुकी थी। वहीं बीजेपी एक बार फिर 182 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस चुनाव में एनडीए ने कुल 299 सीटों पर जीत हासिल की। इस भारी जीत के साथ अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के पीएम बने। साथ ही इस गठबंधन ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की थी। देश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी गैर कांग्रेसी गठबंधन वाली सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। 2004 में अटल आडवाणी का उल्टा पड़ा दांव। 1999 से 2004 के बीच सरकार चलाने के बाद शायद अटल आडवाणी की जोड़ी ने एक अलग दांव चलने की सोची। उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के 4 महीने पहले ही 2004 का चुनाव करवाने का फैसला किया। साइनिंग इंडिया के नारे के साथ एनडीए चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। इधर एनडीए के जवाब में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए बन चुकी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने 222 सीटों पर बाजी मार ली। वहीं यूपीए को समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों से बाहर से समर्थन भी मिल गया, जिसके बाद एनडीए के हाथ से सत्ता निकल गई और यूपीए सत्ता पर काबिज हो गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महज 138 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 में वापसी। 2004 के बाद 2009 के चुनाव में भी एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में वो पूरे 10 साल सत्ता से बाहर रहे। 2009 में बीजेपी की सीट में फिर गिरावट आई। इस बार वो महज 116 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन 2014 में एक बार फिर बदलाव आया। गुजरात के तत्कालीन सीएम
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा। इस बार एनडीए में 28 पार्टियां शामिल थी। 2014 के चुनाव में जहां यूपीए की करारी हार हुई, वहीं एनडीए ने बड़े अंतर से चुनाव जीता। इस चुनाव में तो बीजेपी ने अकेले 282 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं एनडीए ने 336 सीट के साथ सरकार बनाया और नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाया गया। वहीं 2019 में तो एनडीए ने और भी कमाल किया। इस चुनाव में एनडीए ने 22 दलों के साथ कुल 353 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 300 का जादुई आंकड़ा भी पार किया और 330 सीटों पर जीत हासिल की। एनडीए का ताजा हार। 2019 के चुनाव के बाद से एनडीए में थोड़ी हलचल दिखी। चुनाव के बाद गठबंधन के 22 पार्टियों में से कुछ पार्टियों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। इनमें से मुख्य रूप से पंजाब के अकाली दल और बिहार की जेडीयू शामिल है। वहीं जहां तक आज की बात है, एनडीए में फिलहाल 38 पार्टियां गठबंधित हैं और एनडीए के पास आज की तारीख में लोकसभा में 338 सांसद हैं। इधर यूपीए ने खुद को फिर से गठबंधित किया है। इस बार यूपीए 26 दलों के साथ है और नाम भी नया रखा गया है। यूपीए का नया नाम इंडिया रखा गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 38 दलों वाली एनडीए बाजी मारती है या 26 दलों वाली इंडिया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।